दोस्तों, जैसे कि आज बैंक निफ्टी 40,000 के ऊपर क्लोज हुआ और जैसे कि हमने निफ्टी का जो रेंज बताया था उसके रेंज के अंदर ही क्लोज हुआ है। और भी कुछ हम लोग लेवल्स देखेंगे और बैंक निफ्टी का भी नेक्स्ट लेवल क्या आ सकता है ये हम लोग वीडियो में देखेंगे। तो आज के मार्केट रिव्यू में हम लोग देखेंगे कि 22 अक्टूबर का मार्केट कैसे रहेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी और जिन स्टॉक में मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में कुछ मूवमेंट अप रहेगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप वीडियो आखिर तक देखते रहो। हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु दीपक चैनल में आपका स्वागत है। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के ऊपर हम लोग ऐसे एजुकेशन वीडियो लाते रहते हैं, डेली हो, वीकली हो और टेक्निकल से बहुत सारे वीडियोज है, वो देख के आप टेक्निकल सीख सकते हो। दोस्तों, अगर आपको ऐसे टेक्निकल सीखना है मेरे साथ तो आने वाले सैटरडे को यानी 23 तारीख को हमारा एक फ्री वेबिनार है, उसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। वहां पे जाके आप मेरे साथ 2 घंटा फ्री टेक्निकल से सीख सकते हैं सैटरडे को 5 बजे। और आपको अगर मेरे साथ लाइव लाइव में सीखना है, लाइव क्लासरूम में सीखना है और लाइव मार्केट में, तो आने वाले 1 नवंबर से हमारा एक नया क्लासरूम ट्रेनिंग शुरू हो रहा है। जिनको भी पार्टिसिपेट करना है मेरे दिए गए नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि चार्ट के ऊपर कल के लिए मार्केट कैसा रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि निफ्टी जैसे कि 88 पॉइंट डाउन है और बैंक निफ्टी 512 पॉइंट पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जैसे हम लोग कहते हैं कि और कल भी हमने देखा था कि निफ्टी नेगेटिव लग रहा था, बैंक निफ्टी थोड़ा साइडवेज टू पॉजिटिव लग रहा था। पहले हम लोग देखेंगे निफ्टी के कंपोनेंट्स और निफ्टी का मीन्स क्या मोमेंटम हो रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी 50 में जैसे कि वो शब्द आप देखोगे फर्स्ट पे कोटक बैंक है, तो कोटक बैंक बैंक निफ्टी को भी रिप्रेजेंट करता है। और जैसे कि मोस्ट ऑफ द आईसीआईसी बैंक जैसे कि उसका रिजल्ट भी आने वाला है परसों, तो उसके बेसिस के ऊपर जो है कि बैंक निफ्टी ने परफॉर्म किया। और जैसे कि रिलायंस का रिजल्ट भी कल है तो कल भी एक अच्छा मोमेंटम होगा, लेकिन वो आफ्टर मार्केट और शायद हो सकता है, लेकिन रिलायंस ने परफॉर्म नहीं किया, तो इसलिए ये आपको थोड़ा सा निफ्टी और बैंक निफ्टी में डिफरेंस दिख रहा है। अभी जैसे कि जिस दिन ये जो कैंडल बना था डोजी के नीचे क्लोज हुआ था, तो मैंने आपको कहा था कि मार्केट नेगेटिव दिख रहा है और डाउन आएगा। तो ऑलमोस्ट अपना जो एक लेवल है 1852, यहाँ पे 100% अपना एकदम टारगेट हो गया। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दे दो। अपने लेवल्स कितने अच्छे वर्क करते हैं, तो इतने अच्छे वर्क करते हैं तो उससे कंपेरिजन में आप लोग शेयर नहीं करते, तो आप ज़्यादा वीडियो शेयर करो और लाइक भी करो, ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। परफेक्ट अपना टारगेट हो गया, नीचे 18,000 का जो लेवल था उसके लगभग मार्केट यहाँ पे आ गया। तो अभी 18,000 का ब्रेक हो सकता है या फिर से मार्केट रिकवर हो सकता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों यहाँ से मार्केट ने जो रैली किया था लगभग उसका 50% जो है यहाँ पे मार्केट कवर करेक्ट हुआ है। तो 50% करेक्शन भी एक अच्छा करेक्शन है जो कि ये लास्ट रैली का था, तो शायद यहाँ से मार्केट जो है कि कवर हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ कंफर्म नहीं कि यहाँ से कवर होना चाहिए, तो फिर कभी हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे कि मार्केट ने जो नजदीक वाला जो ये था रेसिशन 18440 जैसे मैंने कल कहा था, तो अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन होता है तो हम समझेंगे थोड़ा सा यहाँ पे कवर हो सकता है। और अभी लेटेस्ट जो हमारा एक ये लेवल है 18376, ये भी एक रेसिशन हो सकता है। मार्केट जब तक 18,000 के ऊपर सस्टेन है और बड़ा गिरावट होने का चांसेस है नहीं है। बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा है तो निफ्टी भी यहाँ तक सपोर्ट ले सकता है। नेक्स्ट करेक्शन हम लोग 18,000 के नीचे ही देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो आज का बॉटम बना था 18,052 का आसपास, तो एक आगे जाके यहाँ का लो भी बन सकता है, तो हमको कल यहाँ पे ध्यान देना है। कल जैसे कि फ्राइडे भी है, हम लोग इंट्राडे में देखेंगे कि बैंक निफ्टी का क्या लेवल हो सकता है। तो जैसे हमने प्रिडिक्ट किया था निफ्टी का डाउन जाने वाला है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा अपना लेवल भी आया और मैंने एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ किया था यहाँ पे जो कि 15 मिनट्स में था, और मैंने ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके गया है। तो नेक्स्ट फ्यूचर में भी अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो एक यहाँ से नीचे नेगेटिव हो सकता है। नजदीक वाले लेवल हमको देखने हैं, तो कल हम लोग निफ्टी बाय करने के लिए 18,252 का जो लेवल है उसके ऊपर आप निफ्टी में बाइंग कर सकते हो। सेलिंग के लिए थोड़ा हम लोग नीचे वाला लेवल लेंगे 18,100, ये जो लेवल है इसके नीचे आप सेलिंग कर सकते हो। हम लोग बैंक निफ्टी में देखेंगे कि बैंक निफ्टी के क्या लेवल हो सकते हैं। तो बैंक निफ्टी देखिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, 42,000 के सॉरी 40,000 के ऊपर क्लोज हुआ है, ये बहुत ही अच्छा ये है। अभी नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है, मैंने नीचे से फिबोनाची ड्रॉ किया था और फिबोनाची का यहाँ पे जो लेवल आया है 100% का एक लेवल है उसके ऊपर एक क्लोज हुआ है, तो
करंट वाला जो सपोर्ट रहेगा 39821 का रहेगा, और उसके नीचे 39373। 39373 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लेवल रहेगा अगर हम लोग बैंक निफ्टी में लॉन्ग है। ऊपर का लेवल अगर बैंक निफ्टी 39821 ए लेवल के ऊपर अगर सस्टेन होता है कल भी, तो ऊपर वाला जो लेवल आता है 41,000 का आता है, यानी कि और मार्केट यानी बैंक निफ्टी और 1,000 यहाँ से शूट हो सकता है अगर ये वाला या नीचे वाला कौन सा भी ये बेस अगर होल्ड करता है तो, और पोटेंशियल है बैंक निफ्टी ये लेवल में अगर सस्टेन भी होता है और फिर से ऊपर जाता है तो भी ये पॉजिटिव ही दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी ज्यादा पॉजिटिव दिख रहा है एक्सेप्ट कि 39373 ये लेवल के नीचे क्लोज ना दे दे। इंटरडे के लिए लेवल हम लोग देखेंगे तो ओके, 5 मिनट के चार्ट के ऊपर तो देखिए 5 मिनट में भी जो मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था और मैं ट्रेंड लाइन के ऊपर मैंने कहा था कि बाय, लेकिन जो एक मैंने लेवल निकाला था जो लेवल था आपका हमारा जो लेवल था वो है 39730। तो यहाँ पे दिन में भी यहाँ पे रिसेशन दिया, लेकिन जब भी यहाँ से ब्रेकआउट किया तो यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट 300 पॉइंट ऊपर गया। तो ये लेवल भी अपना कितना अच्छा चला निफ्टी में डाउन साइड में और बैंक निफ्टी में अप साइड में, तो दोनों साइड में अपने इंडेक्स के लेवल बहुत ही अच्छे चले हैं। कल बैंक निफ्टी में अगर आपको शॉर्ट करना है तो 39730 के नीचे ही आता है तो ही आप शॉर्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत पॉजिटिविटी है। कल बाइंग करना है तो बैंक निफ्टी में 40197 के ऊपर ही आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट 40,250 का हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत ही बुलिशनेस है। यहाँ पे निफ्टी में अभी तक बुलिशनेस नहीं आया, लेकिन निफ्टी में हम लोग एक सपोर्ट निफ्टी बना रहा है या फिर एक बॉटम बना रहा है नियर, ऐसे मैं कह सकता हूँ। कल हमने जितने भी कॉल दिए थे जैसे कि मैं परसों भी दिए थे तो मोस्टली इनिशिएट नहीं हुए, आप देख सकते हो कि जो लेवल थे उसके ऊपर नहीं आए, तो नहीं आए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। अपने यहाँ पे टॉप लॉस भी नहीं हुआ और ऊपर उसके ऊपर भी नहीं गए, लेकिन हम लोग कल के लिए कुछ स्टॉक देखेंगे। तो दोस्तों कल के लिए हम लोग कुछ स्टॉक देखते हैं। कल जैसे फ्राइडे तो वीकेंड भी है तो आप अच्छी तरह कम क्वांटिटी में ट्रेड करना। पहला स्टॉक जो है कि यहाँ पे ICICI बैंक 760 के ऊपर यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो। यहाँ पे देखिए कि इसने एक हैमर कैंडल बनाया, ब्रेकआउट के बाद हैमर कैंडल बनाया तो बहुत अच्छा मोमेंटम हो सकता है, प्लस आगे इसका रिजल्ट भी है तो इसका एक्सपेक्टेशन में भी एक मोमेंटम हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कोटक बैंक, तो कोटक बैंक भी देखिए कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया और ये आज का जो कैंडल है एक ब्रेकआउट का कैंडल है तो सबसे ज़्यादा परफॉर्म करने वाला ये बैंक था। 2154 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो आप बाइंग कर सकते हो। यहाँ पे भी ऑल टाइम है तो 1% का टारगेट हम लोग रख सकते हैं। बैंक निफ्टी और निफ्टी स्टॉक में भी, बैंक निफ्टी के स्टॉक में भी इतनी पॉजिटिविटी है तो शायद ये कंटिन्यू हो सकती है कल। नेक्स्ट हम देखेंगे SRF, तो SRF में यहाँ पे क्यों सिलेक्ट करता हूँ आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है, ये पूरा एक सपोर्ट एरिया है और सपोर्ट एरिया के पास यहाँ पे उसने एक हैमर कैंडल बनाया, तो कल SRF आप देख सकते हो जो लेवल रहेगा 2278 के ऊपर आप इसमें एक बाइंग का लिए देख सकते हो। जो नेक्स्ट उसका टारगेट हो सकता है आप लोग रख सकते हैं 2375 का टारगेट यहाँ पे रख सकते हैं। तो दोस्तों इतने स्टॉक थे जो मैंने आपके साथ कवर किए, ये मेरे टेक्निकल व्यूज है, ऐसा कुछ भी नहीं कि कल ये स्टॉक ऐसे चलेंगे। इसमें आपको ट्रेड करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेकर आप इसमें ट्रेड कीजिए। और दोस्तों आपको ऐसे टेक्निकल से सीखना है तो आप मेरे साथ सीख सकते हो। आने वाले 23 तारीख को सैटरडे को मेरा फ्री वेबिनार है, 5 से 7 बजे रहेगा, ऑनलाइन वेबिनार रहेगा, आप अटेंड कर सकते हो। और जिनको भी मेरे साथ क्लासरूम में सीखना है थाने मुंबई में जहाँ पे मैं लाइव मार्केट में आपको सिखाऊंगा, तो दिए गए नंबर के ऊपर आप मुझे कॉल कर सकते हो। 1 नवंबर से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है। दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और अपने कमेंट भी दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।